हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बार फिर चले शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप भी करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग और मिंत्रा से खरीदते हैं काफी सारा सामान, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन का जो लोअर मैंने ऑर्डर किया था वो मेरे पास अब आ गया है, और मैंने इसको सेल में ऑर्डर किया था तो मुझे काफी अच्छे प्राइस पे ही मिला है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखता है ये लोअर और कैसी होती है इसकी जो क्वालिटी है कपड़े की, वो भी एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके की पैकेजिंग करी गई है। यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन है तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इस तरफ जो ये जो यहाँ साइज़ की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मीडियम जो है साइज़ मैंने ऑर्डर किया है। अब एक बार इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ, तब आपको पूरा आइडिया हो पाएगा पैकेजिंग से निकालने के बाद। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का दिखता है ये लोअर, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी कूल लगता है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन की जो है ब्रांडिंग की गई है। अंदर की तरफ से एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कलर जो है इसका ब्लू है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और कपड़े की क्वालिटी मेरे को इसकी बहुत अच्छी लगी। और नीचे की तरफ से आप देखेंगे इसका बॉटम भी नैरो है, तो आजकल आपने देखा होगा काफ़ी ट्रेंडिंग है जो नैरो बॉटम वाले लोअर्स चल रहे हैं, और अगर आप नॉर्मल बॉटम वाले लेंगे तो आपको कम मिलेंगे, चाहे आप ऑनलाइन लेते हैं ऑफलाइन लेते हैं। नैरो बॉटम वाले बहुत ज़्यादा आजकल इस तरीके के लोअर्स ट्रेंड में है। इस तरफ से मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ से ओपन करूँगा तो ये पीछे वाली साइड है, तो पीछे वाली साइड पर भी आपको एक पॉकेट यहाँ पर मिल जाती है। अगर आगे की तरफ से मैं इसको एक बार आपको दिखाऊं कि आगे की तरफ से इसका कैसा लुक आता है, तो आगे की तरफ से बिल्कुल सिंपल इसका लुक रखा गया है, जैसा कि यूसीप की यहाँ पे एक लोगो लगाया गया है। और इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके का आपको एक नाड़ा भी मिल जाता है इसको बांधने के लिए। और इस तरफ से मैं आपको अंदर की तरफ से इसका टेक्स्चर दिखाऊँ, तो कुछ इस तरीके का इसका फैब्रिक होता है अंदर से। तो आप इसको गर्मियों में भी पहन सकते हैं और सर्दियों में भी पहन सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसका जो है फैब्रिक रखा गया है। तो गर्मी के टाइम पे भी अगर आप इसको पहनेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक बार अब मैं इसको पहन के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके की फिटिंग वगैरह इसकी पहनने के बाद लगती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पहन लिया। सबसे पहले मैं आपको इसकी फिटिंग जो है वो वेस्ट पर दिखा देता हूँ कि वेस्ट पर इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है। अगर आप इसको थोड़ा बहुत टाइट भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये थ्रेड दिया गया जिसकी मदद से आप इसको टाइट कर सकते हैं। थोड़ा सा साइड की तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ साइड प्रोफाइल जो है वो किस तरीके से लगता है। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये साइड प्रोफाइल लगता है, और यहाँ पे जो नीचे की तरफ से भी आप देखेंगे कि बॉटम इसका किस तरीके से यहाँ से नैरो है। और अगर ऊपर की तरफ दिखाऊँ तो ये डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी लगती है पूरे के पूरे इस कलर के साथ। थोड़ा पीछे की तरफ से भी मैं आपको दिखा दूँ इसकी फिटिंग, तो थोड़ा दूर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीछे की तरफ से भी इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और बहुत कंफर्टेबल लगता है ये फिटिंग वाइज। तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे एक पैंट की तरह ही लुक देता है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल इसका जो है फैब्रिक है। तो कुछ इस तरीके से था इसका एक छोटा सा रिव्यू दोस्तों।